आती हूँ मेरे घर के कमरों में, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, 30-35 लोग रहते हैं मेरे घर के आगे पीछे, और एक मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ सबकी नजर एक दूसरे पे होती है। नीतू मैना पैसे खाके, नीतू मैना को पैसों का लालच नहीं है, उठा के देख लो, ना व्यूज का लालच है ना पैसों का लालच है। हाँ नीतू मैना आज बर्बाद हुई है, दोस्ती के पीछे बर्बाद हुई है नीतू मैना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी नीतू दीदी का वीडियो आया है और वो क्या कुछ कहना चाहती थी और कितना वो मजबूर है ये सब बोलने के लिए। तो ये भी जो आरोप लगाए हैं ना अभय तिवारी ने लाइव आकर के, वो सब नीतू करवाती थी, वो दलाल थी, वो बिचौलिया थी, उन लोगों को कब पहले अपने घर की देख ले, पहले अपने घर की धुल ले, फिर बोलना दूसरों के घर की धुलने के लिए जाए, ठीक है। तो वो मैडम है ना, तुमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है, पता नहीं ऐसी कौन सी रिकॉर्डिंग है जो तुम उसको बेचारी को ब्लैकमेल कर रहे हो। हम सारे क्रिएटर्स और सारे जो रिएक्शन चैनल वाले सब नीतू दीदी के सपोर्ट में हैं। भाई हम नीतू दीदी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं भी भोपाल की रहने वाली हूँ। वो बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी लेडीज है, हेल्पफुल है, इतनी मतलब खुश दिल इंसान है कि वो उसके चेहरे पर जो आज हमने हम लोगों ने रोना देखा है ना, उसके चेहरे पर वो कभी नहीं आता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए तो भी नहीं आता है। तुम लोगों ने तो उसका यूज़ कर लिया, उसको बहन बोल के, उसको अपनी माँ जैसी बोलकर यूज़ करके। और अगर तुम्हें अभय तिवारी में इतने ही गट्स थे तो तुम अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए दूसरों की इज्जत पे दाग लगाओगे? तुम्हारी बहन क्या दूध पीती बच्ची है? तुम कह रहे हो कि सचिन उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अरे भाई, सारे क्रिएटर्स बोल रहे हैं तुम उन लोगों को ब्लैकमेल करते थे, अब धीरे धीरे तुम लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। अगर तुम में इतनी ही ईमानदारी है, इतनी लॉयल्टी है, तो सारे क्रिएटर में से कोई सा भी एक क्रिएटर बता दो जो तुम्हारे पक्ष में आकर बोला हो। कोई भी तुम्हारे पक्ष में आकर नहीं बोला है, सब लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। तुम ये जानते हैं कि तुमने किस तरीके से सोशल मीडिया पर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं, सेम्पति पापा कर रो रो कर जो बन रही है ना सती सावित्री, जो अभी भी हॉस्पिटल में उनके वर्ड सुनना उसके ब्लॉग में कि हमें किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, इवन अपने घर वालों तक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो भैया, कौन कर रहा है तुम पे विश्वास और कौन बोल रहा है तुम उन पर विश्वास करो? तुम हो ही नहीं विश्वास के लायक, तुम विश्वास के लायक नहीं हो, इसीलिए सारे क्रिएटर्स तुम्हारे खिलाफ है। कोई एक क्रिएटर का नाम बता दो। जब से सरिता जी के साथ जो कांड हुआ है ना, सब लोग तुम लोगों को समझ गए हैं, और जो लोगों ने सरिता जी का साथ नहीं दिया आज वो पछता रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि जो सचिन ने 5% बात बताई है ना, उसका पूरा 100% सचिन को बता देना चाहिए था। ये लोगों को कि अभी तक अपनी गलती पे पछतावा नहीं है। और यहाँ पर सचिन ने फिर अपनी कम्युनिटी पोस्ट डाली, उसने कहा कि मैं और मनीषा बिल्कुल अलग नहीं हो रहे हैं, हम लोग लाइव आएंगे थोड़ी देर में, पूरे प्रूफ के साथ आएंगे। तो कभी मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि बता देना चाहिए सही। और यहाँ पर कुछ देखो कमेंट्स भी आए हैं, नीतू के लिए स्टैंड लिया आपने, बहुत अच्छा लगा, नीतू बहुत अच्छी औरत है और घरेलू है। तो इस बात के लिए मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ, बहुत अच्छी औरत है। और ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, सारे क्रिएटर्स बोल रहे हैं किस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बात धीरे धीरे रख रहे हैं और सब मनीषा के फेवर में है। और ये मैडम जी हैं, इनको बताइए अभी तक कोई दुख नहीं है, इनको लगता है कि मैंने जो किया सब कुछ सच किया है। तो मैडम, सब कुछ सच और अच्छा आजकल तुम्हारा सब कुछ पता चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो तुमने आशीष जी के नाम की, मतलब वो इंसान बंदा बीजेपी के नेता के नाम से जाना जाता था, सॉरी कांग्रेस के नेता के नाम से जाना था, उनके नाम की तुमने धज्जियाँ उड़ा दी हैं, अपने मरे हुए पति का नाम ले लेकर तुमने व्यूज़ कमाए हैं और वो भी झूठे व्यूज़ कमाए हैं। और पता नहीं सोशल मीडिया पर क्या क्या गंदगी फैलाई हुई है। कम से कम इंसान सोचता है गलती करने के बाद सुधर जाए, पर नहीं, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि इनके फैमिली वाले अभी भी सपोर्टिव है, करेंगे नहीं नहीं ठीक है तुमने जो किया अच्छा किया और आगे भी ऐसे कुछ करते रहना। और लाइव आकर क्या बोल रहे थे नीतू मैना के बारे में, और ऐसे पहले जितने ब्लॉग्स और वीडियो आए हैं, वो तुम्हारी बहन है जिसने अपनी इज्जत गंवा दी, और ये तुम्हारी बहन नहीं है। तुम चाहती तो मैडम जी भी इनकी इज्जत बचा सकती थी, वो भी आकर बोल सकती थी या कम्युनिटी पोस्ट डाल सकती थी कि भाई ने जो भी बोला गलती से बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो बोलते, पर इन्होंने उसको भी तार तार कर दिया। अब ये बताओ तुम्हारे साथ है कौन? बट इनको कोई दुख नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है ना कि हमारे पास बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इनको कौन फॉलो करता है और कौन सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। मतलब तिवारी खानदान की इतनी बुरी धज्जियाँ उड़ रही हैं सोशल मीडिया पर, तो भी पब्लिक जा जा के कमेंट्स कर रही है, हाँ हाँ सब जो भूल जाओ आगे बढ़ो, ठीक है भूल जाओ आगे बढ़ो, पर किसी के दूसरी फैमिली को इतना बर्बाद करके, जो तुमने अभी
किसके साथ किया है? मनीषा के साथ किया। अगर वही तुम्हारी भाभी के साथ हुआ होता तब भी तुम यही बोलते, यही तुम्हारा रिएक्शन होता बोलने के लिए कि हाँ ठीक है आगे बढ़ जाओ या आगे कर जाओ। जब अपने परिवार पर आती है ना तो लगता है कि हम लोगों ने जो किया सही है, दूसरे गलत है। और जब वही चीज़ दूसरों के परिवार पर आती है ना तो सब लोग उंगलियाँ उठाने लग जाते हैं। वही यही बात आज यहाँ पर सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आ रही है। अब तो लगता है कि सचिन को और मनीषा को साथ में रहना चाहिए और इनके पूरे परिवार की पोल पट्टी खोल देना चाहिए, क्योंकि इतनी इज्जत उतरने के बाद भी इनके मुच्छों का ताव तो गया नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं तक यही समझ में आ रहा है। और बहुत सारी थी ना सो कॉल्ड लेडीज़ जो आकर बोलती है कि मैं तो एक औरत के पक्ष में बोलती हूँ और जो सही होता है उसी की तरह बोलती हैं। तो अब वो आए बोले नीतू दीदी के पक्ष में आकर, तब तो नहीं बोल रही है कि नीतू दीदी के पक्ष में आकर बोले कि हाँ नीतू दीदी सही है और नीतू गलत नहीं है, वो बहुत अच्छी औरत है, एक फैमिली में रहती है, एक सोसाइटी में रहती है और इतने इतने उसके मतलब सारे रिश्तेदार खुद ही कह रही है कि सारे रिलेटिव्स के पास मैसेज किए जा रहे हैं कि ये मिलवाती थी। मिलवाती क्या थी भाई, दोनों मैच्योर हैं, एक 5 साल के बच्चे की माँ है, मिलवाने का क्या मतलब है? तुमको कोई, तुमने नशा की गोली या भांग की गोली खा रखी है या शराब पी के रखी है तो तुम्हें कोई मिलवा देगा और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे पागल में तो लोग कोई है नहीं। ऐसे तो तुम आ जाती हो खूब लड़ने के लिए सोशल मीडिया पे, माँ बद्दुआएं देने चली आती और मैडम जी आती अपना सतीत्व साबित करने चली आती हैं कि सब लोग मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? और जब प्रूफ दिखाने जा रहे हैं तो मैडम जी लाइव आने से डर रही है, मैडम जी लाइव आने से डर रही हैं।